हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक फिर से नए वीडियो में। मैं आज जा रहा हूँ एक ऐसी अनोखी जगह जहाँ लोगों का कहना है कि वहाँ का पानी हमेशा उबलता हुआ रहता है और यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं इस अनोखी चीज को देखने के लिए, और इसी पानी में खाना भी बनता है बिना आग और गैस के। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या वजह है कि इतनी ठंडी जगह में भी गर्म पानी की जगह, जो कि अपने आप में काफी आश्चर्य कर देने वाली है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको यहाँ की पूरी जानकारी देंगे और आपको सब दिखाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करते हैं वहां पहुंचने के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हम आ गए हैं मनाली से कुछ 80 किलोमीटर दूर एक जगह जिसका नाम है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। आप जानते होंगे भारत भर में ऐसे कई तीर्थ स्थल हैं जिनके पीछे कोई ना कोई राज छुपा है, फिर बात चाहे यह हिमाचल प्रदेश में बसे गुरुद्वारे की क्यों ना हो। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, यहाँ काफी भीड़ है। वो देखिए सामने से जो धुआं निकल रहा है वो गर्म पानी का ही है, सामने चलकर दिखाते हैं आपको। वो देखिए वहां से ना धुआं निकल रहा है। आपको बता दें इस गुरुद्वारे में देश विदेश हर जगह के लोग आते हैं देखने के लिए, और कहा जाता है कि यह एक पहली ऐसी जगह है जहां गुरु नानक जी ने देव का ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। और जमीन से इस गुरुद्वारे की ऊंचाई 1760 मीटर है और कुल्लू से यह 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको बताएंगे हम कि इस गुरुद्वारे का नाम मणिकरण गुरुद्वारा क्यों पड़ा। आप सोच रहे होंगे इस जगह का नाम मणिकरण कैसे पड़ा। शेष नाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ एक मणि फेंकी थी, जिस वजह से यह चमत्कार हुआ। ऐसा क्यों हुआ इसके पीछे भी एक कहानी है, और कहा जाता है कि इस पानी में जो स्नान कर ले उसका सारा बीमारी खत्म हो जाता है, और यह जगह पुरुषों के लिए है नहाने की। चलते हैं आगे, महिला के नहाने की भी जगह यहाँ पे अलग से दी गई है। ये देखिए ये राइट साइड में महिला के नहाने की जगह है, यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हैं, यहाँ काफी जगह है जूता रखने के लिए। यहाँ पे शूज खोलने की जगह है। ये देखिए सारे लोग यहाँ पे अपने जूते जमा कर रहे हैं। हमने जूता रख कर फिर वापस आ गया मंदिर, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। और ये देखिए यहाँ सामने ही भंडारा लगा हुआ, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। गुरुद्वारे में जाने के लिए यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। Sí.
थोड़ा बहुत लेंगे, चलो 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 साथ लेके जल्दी आइए, वीडियो बनाए हमारे। ये देखिए यहाँ पे प्रसाद लेने गए, चरण कमले ठाओ कबीर स्वर्ग नर ते पैरो अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे तो यहाँ का कथा सुनते हैं, तो हमने भी कुछ देर बैठ के यहाँ की कथा सुनी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, यहाँ पे बहुत ही शांति थी। अगर आप आए तो यहाँ पे जरूर बैठकर कथा सुन सकते हैं। ये देखिए यहाँ का ये लंगर है, यहाँ पे काफी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। ये बिल्कुल मुफ्त रहती है, आप भी यहाँ पे खाना खा सकते हैं। यहाँ पे अक्सर खाना उसी गर्म पानी में बनती है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं गर्म गुफा की ओर। यहाँ एक छोटा सा गुफा भी है जो कि अंदर से पूरा गर्म रहता है। ये देखिए कितना धुआं हो गया है, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे हॉट कैप। आगे मत जाओ नहीं तो वीडियो में ना हो ना। वीडियो में ना आता है। इसके आगे दिखा दे, देखिए यहाँ चारों तरफ कितनी धुआं है, ये बाहर निकलने की जगह। चलिए अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि अंदर से कैसा है। ये देखिए हमारे भैया जा रहे हैं, ये बेबी जा रही है। ये देखिए अंदर से यहाँ कितने लोग रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ बैठने से सब दुख वगैरह जो रहता है शरीर में वो खत्म हो जाती है। ये देखिए हम अंदर गए, इसके अंदर भी एक जगह है, अंदर कुछ ऐसा दिखता है, शायद इसी जगह पे गुरु नानक जी ने तपस्या की थी। यह रास्ता बाहर की ओर जाती है जहाँ की बाजार लगी है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बाजार से लाया हुआ सामान ये दरबार में स्वीकार नहीं किया जाता है। ये देखिए यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सामानें वगैरह बिक्री हो रही है, आप ये सब ले सकते हैं अपने पसंद के। बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पे। इसके आगे भी एक मंदिर है, वो भी दिखाएंगे, और वहीं पे उबलता हुआ पानी है, उसी में सब अपना प्रसाद बनाते हैं, दिखाते हैं कैसे वो बनता है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।
ये देखिए, जैसे कि हमने कहा था कि सामने भी एक मंदिर है, तो ये वही मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। चलिए चलते हैं आगे और आपको यहीं पे दिखाते हैं कि कैसे उबलता हुआ पानी है और कैसे यहाँ पे खाना बनती है। यहीं से आप देख सकते हैं, देखिए सामने कितना धुआं निकल रहा है। यहीं पे सारे लोग यहाँ पे ले रहे हैं। आप इसमें चना बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ 10 रुपये की एक मिल रही है, ये कच्चा रहती है। इसको आप पानी में डुबा कर रखेंगे तो करीबन 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमने एक ले लिया। ये देखिए यही उबलता हुआ पानी, आप देख सकते हैं मटके में रखा हुआ है, सब खाना बन रहा है। ये लोग यहाँ पे ऐसे डुबा के रख रहे हैं। ये देखिए कितने सारे लोग हैं। और यहाँ पे बगल में ही एक शिव जी का मंदिर है। और लोगों का कहना है कि 11,000 वर्षों पहले भगवान शिव जी और पार्वती जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। जब माँ पार्वती नहा रही थी तो उनके कानों की बाली में से एक नग पानी में जा गिरा। फिर भगवान शिव ने अपने गणों से इस मणि को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मिल सकी। तो इतने में भगवान शिव नाराज हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दी, जिससे नैना देवी नामक शक्ति पैदा हुई। नैना देवी ने शिव को बताया कि उनकी मणि शेष नाग के पास है। शेष नाग ने मणि को देवताओं की प्रार्थना करने के बाद वापस कर दिया, लेकिन वो इतना नाराज हुए कि उन्होंने जोर की एक पुकार भरी, जिससे इस जगह पे गर्म जल की धारा फूटने लगी और तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। यहाँ का पानी लगभग 86 से 96 डिग्री के लगभग खौलते रहता है। गुरुद्वारे में जो लंगर बनता है इसी खौलते पानी में तैयार किया जाता है। कई लोग तो इस पानी को पीते हैं और इसमें डुबकी लगाकर अपनी बीमारी को ठीक करते हैं। आखिर यह गर्म पानी की राज क्या है, वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए। अगर आप लोग कभी मनाली आए हैं और ये गर्म पानी में नहाए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली भी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।